मैंने राइफल चलाना सिर्फ हंटिंग के लिए सीखी थी, अब सेल्फ डिफेंस भी करना पड़ेगा। मैं तो अपने आप को बचा लूँगा, तुम क्या करोगे? तुम पे भरोसा? सोच लो, तुम्हारा भाई सेल्फिश भी हो सकता हूँ। क्या सीखा तुमने लंदन में? क्या मतलब? यही के वहां कोई रिश्तों की अहमियत नहीं होती। और कब तक सजा देते रहोगे मुझे? कब तक तंज भरी नजरों से मुझे देखते रहोगे? कब तक इसी तरीके से मुझसे बात नहीं करोगे? मुझे अपने किए की सजा वैसे ही मिल गई है। एक दफा गले भी नहीं लगाया मुझे। कितनी एज होगी हमारी? 22 साल, 25 साल? और कितनी एज बाकी होगी हमारी? 30 साल, 40 साल? और अगर शायद दादा की एज पे चलेगा ना तो 90 साल। अब इन पिछले 6 सालों की सजा क्या मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी गुजारूंगा? मुझे तो अपनी गलतियों की सजा वैसे ही मिल गई है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब जो कुछ मैंने कमाया था कुछ भी नहीं है। ना घर है, ना दोस्त है, सबको छोड़ के आया हूं। और जानते हो, मैं ये सब कुछ छोड़ के आया हूं किसके लिए? उसके लिए जो आप हमारा दरमियान के लिए, उसके लिए जो हमारे दरमियान है, मेरी मां, मेरा भाई। बचपन में तुम कहा करते थे ना, पापा मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक कह रहे थे, पापा सचमुच सचमुच ज्यादा प्यार करते थे। और मुझे देखो, मैं उस वक्त उस आदमी के दरमियान नहीं था जब अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मेरा पोस्टर है, और मैं वहां नहीं आ सका। टाइम फॉर एक्शन, तो मुझे कवरिंग फायर देना। We'll be right back.
शोक शोक मेरा भाई था और मेरे लिए वो कुछ नहीं नथिंग। अगर कोई आदमी अपने मोम और भाई से मिलने के लिए आता है तो पूछ ऑल द वे फ्रॉम लंदन। लंदन से पाकिस्तान पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कभी-कभी सोचता हूं 8 घंटे 10 घंटे। अगर मैं बाहर ना गया होता तो शायद आज मैं वही समय होता। फॉर मी यू आर डेड। अगर वो नहीं रुके ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। कितनी एज होगी हमारी? भाई साहब 25 साल। कितनी एज बाकी होगी हमारी? 30 साल 40 साल और अगर शायद ज्यादा की एज पे चले गए ना तो 90 साल। लंदन आज भी वैसा ही है जैसा मैं छोड़कर आया था। सिर्फ वहां की सड़कों पर अब मैं दिखाई नहीं देता। मैंने अभी तक राखी और मॉम को नहीं बताया कि मैं वापस क्यों आया। कभी कभी रिश्ते निभाने के लिए खामोश रहना ही बेहतर होता है। और इन रिश्तों को निभाना भला हम लोगों से बेहतर कौन जानता है।